28 फरवरी को आदिवासी समाज अपने अधिकारों, वन भूमि, आदिवासी छात्रों के लिए, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ, अशिक्षित बेरोजगारों के हित के लिए बड़ी संख्या में गोंदिया शहर से मार्च कर जिला कलेक्टर पर हमला करने जा रहा है। इसी तरह आदिवासी छात्रों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आदिवासी भाइयों के अस्तित्व के लिए इस पदयात्रा में आदिवासी भाई शामिल होंगे। यह कोई आंदोलन नहीं बल्कि आदिवासी भाइयों के अस्तित्व के लिए पदयात्रा है। इसी तरह वर्तमान सरकार की भूमिका पर नजर डालें तो यह भूमिका आदिवासियों के खिलाफ ही है। इसलिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, इसलिए इसका लाभ आदिवासी समाज के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आदिवासी समाज के लोग कल 28 फरवरी को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना मार्च निकालने वाले हैं। यह जानकारी आदिवासी संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। ये बच्चों का तो आंदोलन है और केवल बच्चों का आंदोलन नहीं है, ये हमारे जल जंगल जमीन और हमारे संवैधानिक अस्मिता को लेकर ये आंदोलन है। वहाँ मैं आदिवासी बच्चों की शिक्षा की तरफ एक पल देखता हूँ तो गोंदिया में जो एजुकेशन लेवल पर आदिवासी आश्रम स्कूल्स हो या हॉस्टल्स हो, यहाँ पर जो गैर कानूनी काम चल रहा है और वहाँ पर जो बच्चों की शिक्षा नीति के ऊपर जो वार हो रहा है, हम लोग इसको देख रहे हैं और इस हिसाब से आदिवासी बच्चे शिक्षा व्यवस्था से ही बाहर हो रहे हैं, ये देखने को मिलता है। उनका शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक शोषण हो रहा है। हम लोग बार बार कलेक्टर ऑफिस और आदिवासी विकास विभाग को निवेदन देके थक चुके हैं। दूसरी तरफ हम अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन केवल आदिवासियों का आंदोलन नहीं है। देश और देश की व्यवस्था जिस तरीके की, इस देश के आदिवासियों के ऊपर, मूल निवासियों के ऊपर संवैधानिक कायदों का उल्लंघन करके अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग सड़कों पर आ रहे हैं लेकिन यहाँ की व्यवस्था हमारे सामाजिक संवैधानिक मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं है, हम लोग ये देख रहे हैं। और इसके लिए हम अपने संविधान को बचाने, संविधान की अस्मिता बचाने और संविधान के अंदर मौजूद हमारे अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग मैदान में है। हम पूरे समाज से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी लेकर और अपनी जवाबदारी लेकर अपने समाज के साथ खुद भी वहाँ पर उपस्थित रहे और अपने सामाजिक प्रश्नों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया में उपस्थित होकर अपने सामाजिक एकते का और अपने सांस्कृतिक एकता का परिचय दे। आदिवासी समाजाने, आदिवासी समाज संघटनांनी सर्व मिळून आज 28 फेब्रुवारीला एक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आपल्या हक्क अधिकाराकरिता व जल जंगल जमिनीच्या संरक्षणाकरिता, साधन वंचित आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता, सुशिक्षित बेरोजगारांकरिता, महिलांकरिता, इतर असणाऱ्या सर्व गरीब वर्गाकरिता आपल्या हक्क अधिकारांसाठी एक मोठ्या आंदोलनाची तयारी केलेली आहे। हा आंदोलन फक्त आंदोलन नसून आमच्या अस्तित्वाचा लढा आहे। आज आपण इथल्या वर्तमान सरकारची भूमिका बघता, ही सर्व भूमिका आमच्या मूल निवासांच्या विरोधात आहे असं दिसून येत आहे। इथं वेगवेगळे प्रकल्प राबवत आहे, या वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासींचंच नाही तर इथल्या सर्व मूल निवासांचं विस्थापन करत आहे आणि या विस्थापनाच्या माध्यमातून सर्व हक्क अधिकार संपवण्याच्या मार्गावर लागलेला आहे। याच्याच उद्देशाने आम्ही 28 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारलेलं आहे। या मोर्चामध्ये अंदाजे 8 ते 10 हजाराच्या जवळपास आपले आदिवासी, आपले सर्व मूल निवासी बांधव उपस्थित राहणार। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।